So today we are going to perform this assignment. So the thing is, we have four options: home, about us, courses, and contact us. If I'll keep the mouse over here, anchor will come here also. Anchor. If I'm going to keep the mouse on courses, it is going to show me two options: Internet of Things and software training. And the last one is contact us. So for this part, we have to work. So to do this, I have written the code in body, notepad. So this thing we already aware of. Like I have four options: home, about us, courses, and contact us. UL, I had given a class subcontainer, and I keep all these things in div and given the name class as container. So initially, this part, this inside part, I'm not working. I'm just working on these four things. Later on, I will insert these Internet of Things and software training also. Name of my file is practice.html. So right now I am working on that. This assignment we have seen already in our previous videos. So right now I have done the style CSS on these all things. So UL, I have written like list style type none. Why? Because to remove the dots. Li, I had given these many things in li. And li a anchor text decoration none, because line was there, so line will be removed. Now we'll start again. We'll continue with the work. Abhi continue karte hum log. Is content ko center mein lana hai. तो क्या करना पड़ेगा, एलआई के कंटेंट को सेंटर में लाना है. सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, सेंटर में आ गया. अभी इसका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर भी येलो कर देंगे. येलो. ठीक है. अभी इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे गैप आ रहा है, तो गैप जो आ रहा है उसमें मैं मार्जिन दे देता हूँ. मार्जिन दे दिया. लेफ्ट साइड से मार्जिन दो क्या, एक बार लेफ्ट साइड से मार्जिन देंगे. क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, ये ऊपर से जा रहा है, बीच में यहाँ पे गैप नहीं है, वो गैप यहाँ पे है. यस सर. तो वो गैप मुझे पहले क्रिएट करना है. कैसे करेंगे, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल दिया, आई होप 5 पिक्सल आना चाहिए लेफ्ट से. नहीं आएगा तो फिर हम लोग आ गया. ठीक है, ये और ये थोड़ा सा इसको इधर खसका लेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में तो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा. सो व्हाट आई हैव टू डू इज लेफ्ट मार्जिन 350 पिक्सल. तो ये एंड ये तो ऑलमोस्ट अभी बराबर हो गया. ठीक है, इसके ऊपर भी एंकर आ रहा है, इसके ऊपर भी एंकर आ रहा है, इसके ऊपर भी एंकर आ रहा है, इसके ऊपर भी एंकर है. परफेक्ट. अभी एक्सेलेंट में कब बोलूंगा, जब हमारा ये वाला काम कर जाएगा. तो अभी आप ये जो फाइल है हमारा, ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ये कोर्सेज के अंदर आता है. तो मैं कोड में कहाँ डालूंगा, ये कोर्सेज के अंदर मैं कोड में डालता हूँ इसको. कोर्सेज में ये एल आई जो है, एल आई क्लोज लास्ट में करेंगे हम लोग. ठीक है, क्योंकि एल आई यहाँ पे नहीं क्लोज कर सकते, कोर्सेज के अंदर ही हमारा वो है. अभी क्या करूंगा मैं, तो मैं इसके अंदर एक यू एल लेता हूँ. वो भी एंकर ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी एंकर ही है यहाँ पे. तो एंकर है तो एंकर उसको हम लोग दे देंगे. यूएल क्रिएट करेंगे, बाद में यूएल से हम लोग को रिमूव कर देंगे. तो बाय डिफॉल्ट यूएल को रिमूव किया है तो नहीं आएगा वो. ये देखो, ठीक है, ये इस एल आई के अंदर डाला है. इसका नाम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बाद में ये
ये एंकर क्लोज किया, ये एलआई क्लोज किया। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, यूएल क्लोज हो गया। एलआई आप बोलोगे सर यूएल पहले क्लोज किया, एलआई बाद में क्लोज किया, क्यों? क्योंकि इस एलआई के अंदर ये यूएल मैंने क्रिएट किया हुआ है कि इसलिए यूएल क्लोज हो गया। अभी ये एलआई अभी तक क्लोज नहीं हुआ तो इसलिए इस एलआई को क्लोज किया अभी मैंने, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया है, क्या हमारा आउटपुट क्या आया, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस है, इसको सेव किया, ये अभी ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यूएल है उसको एक नाम देता हूँ क्लास, क्लास नाम, क्लास इसको डिफाइन करता हूँ सब कंटेनर वन, कंटेनर वन, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डॉट सब कंटेनर वन डिस्प्ले अभी गायब हो गया। गायब हो गया मतलब क्या, जब मैं इसके ऊपर इसको लाऊं तब वो आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी क्या है, गायब हो गया बट वो आना चाहिए जब मैं इस पर क्लिक करूं या उसके ऊपर माउस लेके जाऊं। सब कंटेनर वन हो गया तो होवर करना पड़ेगा मुझे, जब मैं होवर करूं तब उसके ऊपर वो चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके देखा हुआ है, इस पर हम लोग देखेंगे सब कंटेनर एल आई होवर यू एल। ओके ये मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं बता दूंगा क्या है वो। पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, बराबर है। खाली मैं इसको थोड़ा सा इधर खसका देता हूं तो ऑलमोस्ट हमारा डन हो जाएगा। तो लेफ्ट मार्जिन 18 डन। एटीन 12 पिक्सल अभी देखेंगे। यहाँ पे भी एंकर है, यहाँ पे भी एंकर है, परफेक्ट आ गया। अभी अभी इस कोड को हम लोग समझ लेते हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। क्या किया मैंने कि सब कंटेनर एल आई होवर यू एल, मतलब क्या एल आई का जो कंटेंट है जो कि यू एल के अंदर है उसको होवर करने पे, होवर करने पे अगर मैंने सब कंटेनर नहीं डाला होता, सब कंटेनर नहीं डाला होता तब होता था क्या, तो हर इसके ऊपर वो फिर कुछ ना कुछ ऑप्शन दिखाने चाहिए थे। बट मैंने क्या किया, कोर्सेज में एक मैंने कोर्सेज के अंदर मैंने एक क्लास ले ली और उस क्लास को फिर मैंने नाम दिया है सब कंटेनर। तो मुझे उसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तब भी वो वहां पे ये ऑप्शंस आने चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सॉफ्टवेयर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट सब कंटेनर दे दिया। जब भी आप स्पेसिफिक रहते हो कि उसी में करना है तो उस क्लास के ऊपर ही वर्क करना है, तो सब कंटेनर इसलिए मैंने उसका नाम दिया, ठीक है। बाद में एल आई इसलिए किया मैंने क्योंकि एल आई जो है वो ये हमारा एल आई के अंदर, दिस इज एल आई ओनली, कोर्सेज इज एल आई ओनली। और जब कोर्सेज के ऊपर मैं होवर करूं, मतलब इससे पहले आपने एक चीज देखी होगी, मैं जैसे कि इसके ऊपर लेके जाता था तो इसके ऊपर क्या हो रहा था, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता था और बाद में फॉन्ट कलर चेंज हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, वो एंकर की प्रॉपर्टी थी तो एंकर कॉलन होवर करते थे। फिलहाल हमें ये एल आई के ऊपर काम करना है, इसीलिए एल आई होवर, एल आई कॉलन होवर।
जब हम यहाँ पे ऐसा करते थे तो यहाँ पे क्या होता था कि इसका बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर चेंज होता था, तो एंकर कॉलन होवर करके उसमें हम लोग वो सारी चीजें डालते थे तो वो चेंज होता था मतलब। बट फिलहाल हमें एल आई के ऊपर काम करना है, होवर होवर पे एल आई के ऊपर वर्क हो रहा है वो, तो एल आई कॉलन होवर, और वो एल आई जो है उसके अंदर हम लोगों ने सब कंटेनर जो है यूएल के अंदर, अगर सपोज मैंने इसको निकाला देखते क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ तो वो हिल रहा है, वो हिल देखो कैसा हो रहा है वो, तो इसीलिए थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएंगे हम लोग यूएल। ये आप बोलोगे सर ये ज्यादा कैसे समझ में आएगा कि यूएल डालना ही है कि नहीं डालना है, तो जब हम लोग 10 एग्जांपल कर लेते हैं, 5 से 5-8 10 एग्जांपल कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है। जब आप स्क्रू ड्राइवर टाइट करते हो तो आपको कैसे समझ में आता है, अगर मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया स्क्रू ड्राइवर 10 बार घुमाना है, आप जब प्रैक्टिकली करने जाओगे 10 बार घुमाने, हो सकता है कि आप जिस आपके पास जो वुडन प्लैंक है या वॉल है वो अलग है, तो वॉल में मैंने आपको बताया एक एग्जांपल करके, और आपको एक वुडन में बताया मैंने, वॉल में बताया मैंने कि आपको 10 बार करना है, वुडन में आपको 5 बार करना है, तो आपको जब दूसरा वुडन मिलता है तब उस टाइम में कंडीशंस अलग रहती है, वो वुडन अलग होगा, उसमें आप जैसे ही 5 बार कर, सर ने 5 बार बताया था, 5 बार कर रहे हैं, वुडन टूट गया वो मतलब, तो ज्यादा अंदर चला गया, तो सिचुएशंस वैसी रहती है, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ता है चीजें थोड़ी बहुत। तो फिलहाल तो ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट यूएल ऐड करना है कि नहीं करना है वो चीज आप प्रैक्टिस से सीख लोगे। अभी हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि ये है क्या, तो मैं क्या करता हूँ इसके कंटेंट को, इसके कंटेंट को मैं कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं एक एक करके इसको उठाता हूँ यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक। अभी देखो ये ऐसा आ रहा है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अभी नेक्स्ट पोजीशन एब्सोल्यूट, दो होती है पोजीशन एब्सोल्यूट होता है पोजीशन फिक्स्ड होता है, अगर मैंने उसको एब्सोल्यूट डाला तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, मैं वो भी हटा के दिखाऊंगा आपको कि अगर वो नहीं डालेंगे तो क्या आएगा, विथ 200 पिक्सल, ये यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, तो विथ 200 पिक्सल किया तो स्पेसिफिक हो गया, विथ नहीं डिफाइन किया था तो उसने पूरा जितना स्पेस लग रहा था एक ही लाइन में ले रहा था, अभी जैसे विथ स्पेसिफाई किया तो 200 पिक्सल के बाद बाकी कंटेंट को नीचे ले रहा है वो, इसलिए विथ स्पेसिफाई किया हम लोगों ने उसको। बाद में मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, यार आज का वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल ये क्यों क्या बता देता हूँ मैं, पहले इसको हटा देता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं आपको, अभी डाला नहीं है मैंने, तो ये जो है पूरा बॉक्स जो है मेरा ये बाहर वाला ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉफ्टवेयर ये ऊपर आ रहा है, तो ऊपर नहीं आना चाहिए वो नीचे आना चाहिए, तो मैं ऊपर से उसको 5 पिक्सल का अगर मैं मार्जिन दे दूंगा तो अपने आप वो नीचे आ जाएगा, अभी ये 4 पिक्सल का है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये अपने आप ये पूरा बॉक्स जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये देखो नीचे आ गया, अभी वो चिपक गया, अभी क्या है ये थोड़ा सा हमें इसको लेफ्ट साइड में करना है, तो लेफ्ट साइड में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ तो प्लस देता हूँ तो वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, बट मुझे मार्जिन लेफ्ट दे के राइट साइड में मूव करवाना है तो मैं नेगेटिव वैल्यू दे दूंगा, जैसे मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो पूरा अपने आप उसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये देखो आ गया इसके अंदर इस वे से आ गया। अगर मान लो मैंने इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट हटा लिया होता तो क्या होता था, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर पोजीशन एब्सोल्यूट डाल दिया फिर क्या हो गया, ऐसा हो गया। अगर मैंने डिस्प्ले ब्लॉक हटा लिया तो क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट, डिस्प्ले ब्लॉक अगर हटा लिया तो आ ही नहीं रहा है वो कहीं पे भी, डिस्प्ले ब्लॉक डालना पड़ेगा क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं करेंगे ब्लॉक को तब तक आएगा नहीं, क्यों, यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया है मैंने। जब डिस्प्ले नन क्यों किया, क्योंकि जब मेरे को अगर मैंने डिस्प्ले नन नहीं किया होता तो हमेशा वहां पे रहता था वो कोर्सेस के साथ में, बट मुझे क्या चाहिए कि वो होवरिंग के बाद ही आना चाहिए, तो होवरिंग के बाद आने के लिए जब यहाँ डिस्प्ले नन किया है तो यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तभी वो डिस्प्ले ब्लॉक दिखाई देगा यहाँ पे, नहीं तो दिखाई नहीं देगा,
इसलिए डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, तो इस वजह से आपको काम करना पड़ता है उस पर, तब जाके पूरा आता है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने होम अबाउट अस कोर्सेज में अगर हमें कुछ इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ये है। वैसे अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कुछ इंसर्ट करना है या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के अंदर कुछ इंसर्ट करना है तो जिस वजह से ये काम किया वैसे ही करना पड़ेगा। अभी मैं आज का सेशन इधर ही वाइंड अप करता हूँ, बिकॉज मुझे एक छोटा सा असाइनमेंट ले लिया मैंने, इसके बाद आपका एक ही असाइनमेंट बचता है फ्लावर गार्डन का। फ्लावर गार्डन को हो सकता है हमें एक सेशन लगे या तो दो सेशन लगे, तो आपके नेक्स्ट टू वीक में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फ्लावर गार्डन के ऊपर लेना है मुझे, और आपका खुद का जो एक वेबसाइट है जो आप बना रहे हो वो मुझे देखना है, तो वो उसके ऊपर एक सेशन में लेने वाला हूँ और एक सेशन में फ्लावर गार्डन के ऊपर लेने वाला हूँ। सो दो सेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने लास्ट वीक भी कुछ असाइनमेंट नहीं दिया था मैंने, उसके लास्ट वीक भी एज सच कुछ नहीं दिया था मैंने, तो मैं आज आपको एक काम ये दे रहा हूँ कि आपने ये तो करना ही है, साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कंटेंट चाहिए। जैसे ये किया है ना, इंटरनेट के ऑफ थिंग्स के अंदर चार कंटेंट चाहिए मेरे को, और वैसे ही सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के अंदर भी मुझे चार कंटेंट चाहिए। मतलब मैं जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जाऊं तो यहाँ पे चार, जैसे मैं कोर्स पे जा रहा हूँ तो दो ऑप्शन दिखा रहा है, वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर चार ऑप्शन, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के ऊपर दो तीन या चार ऑप्शन, जैसा आपको ठीक लगे वैसा, ये मुझे इसके अंदर चाहिए। आप ये करो प्रैक्टिस इसको, और ये करके मुझे आप बाय थर्सडे और फ्राइडे मुझे पोस्ट करो। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपको कि आना चाहिए आपको। फिलहाल आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। कुछ डाउट है क्या? नो सर। एनीबॉडी? मैं अपलोड कर देता हूं इसको। सर ये शायद दूसरा बैच है। हाँ? हमारा CSS 1 है। जस्ट अ सेकंड। टू ऑप्शंस इन क्या था, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। हंड्रेड मार्क्स का है।
ठीक है, मैं आपका चेक कर लूंगा, जो भी है दो असाइनमेंट चेक कर लेता हूँ अभी मैं।